हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, कल से कैसे आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं एक वीडियो, पाकिस्तान के लोगों की वीडियो है ये, और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ मतलब कि आ रही थी कि जो कि रतन टाटा ग्रुप है उनकी जो GDP है पाकिस्तान की GDP से ऊपर हो गई है। सिर्फ एक कंपनी की इंसान, उसका बिजनेस और उसकी जो कंपनी है उसकी ही GDP इतनी कि किसी मुल्क, पूरे मुल्क की GDP से ज़्यादा और पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसी हवाले से यहाँ के लोगों से रिबा हमरान की वीडियो है, उनका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनकी वीडियो हम लोग देखते हैं। वो लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे और लोगों का क्या रिएक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक बहुत है, वो टॉपिक टाइम के बाद वीडियो देख रही हूं की कंपनी टाटा और बाहर लोगों का इंटरव्यू लेते हुए बहुत, आपको पता है कि इनके साथ जो हुआ था उसके बाद 365 बिलियन डॉलर्स की उसकी एवेल्यूशन हो चुकी है, मार्केट एवेल्यूशन हो चुकी है और जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बीट कर चुकी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बात कहनी आज के दौर में गलत नहीं होगी कि उनकी यानी कि इंडिया की एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर से भी ज़्यादा की है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता है, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी खसारे में जा रही है, क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की कंडीशन को बेहतर कर सकेगा और टाटा जैसी कंपनी इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं होती या होती भी है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करती। तो आइए पाकिस्तानी आवाम के जाने पड़ते हैं और उनसे यही सवाल करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। आपका नाम? रिजवानुल्लाह खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ BA Zoology। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, क्या कहेंगे आप उस कंपनी को लेकर? टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कंटिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस ज़माने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है, तो उस वजह से जो उनका GDP है वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान के सारा का सारा उसके बराबर है, क्योंकि वो रिसर्च और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, उनका टेक्नोलॉजी में उनका रिसर्च देखें, तो वो इस वजह से हमसे आगे है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी GDP एक साइड पे कर ले, उनकी एक कंपनी यानी कि इंडिया की एक कंपनी टाटा पूरी पाकिस्तान के बराबर है, 365 बिलियन डॉलर्स, ह्यूज अमाउंट, ठीक है, और जो कि इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। हम हर जगह देखते हैं टाटा की कंपनीज, टाटा की गाड़ियाँ, टाटा की एयरक्राफ्ट, टाटा की मतलब हाँ बिल्कुल डेफिनेटली मोबाइल्स, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो टाटा को ही देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लीड कर रही है। टाटा का लीड करना इट मींस कि इंडिया का लीड करना है। आखिर क्या रीजंस हैं कि वो आज इतने आगे निकल चुके हैं और हम वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं? एक यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशनल करिकुलम को देखा जाए तो इतना वर्क डेटेड कि ना कोई रिसर्च है यहाँ पे, बेसिक रिसर्च तो होती है लेकिन अप्लाइड रिसर्च की तरफ ना कोई ग्रांट देता है इसके लिए, तो इस वजह से उनका रिसर्च हमारे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इस वजह से वो हमसे आगे भी है, तो बेसिक रीजन यही है उनका। आपको टाटा का पता है? जी। क्या पता? ये गाड़ियों की कंपनी है इंडिया की। अच्छा, ये इंडिया की एक कंपनी है जिसकी मालियत जो है वो 365 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गई है, क्या कहेंगे आप? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उनके पास क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा है हमारे से, काफ़ी फील्ड में हमारे से आगे हैं, तो कर सकती है। अच्छा, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं कि अगर हमारे इन्वेस्टर भी अगर सही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें या कोई इस तरह के पावर प्लांट इधर भी लगाएं तो मेरे ख्याल से हमारी भी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर सकती। देखिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हर जो कंट्री होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको अट्रैक्ट करे। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये आपकी कंट्री को बूस्टअप करने के अंदर, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के अंदर बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले करती है। तो हमारी पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे ताकि हमारी भी जो इकोनॉमी है वो बेटर हो सके। क्या कहेंगे कि उनके जो यानी कि उनके एक कंपनी अपने यानी कि इंडिया की GDP में इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है? एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान में हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी भाग रहे हैं,
उनके जो तहफात हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको प्रोवाइड करें ताकि इन्वेस्टर्स भागने के बजाय वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने को ज़्यादा प्रेफर करें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह टाटा जो है इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती? जैसे मियां वंशा ही देख लें और मलिक रियाज, इन यानी कि यहाँ पे टाइकॉन समझे जाते हैं, बिजनेस टाइकॉन यही हैं, तो वो हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने हमारे मुल्क की इकॉनमी में बड़ा एक जो है वो कंट्रीब्यूट किया हो, बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हो, जैसे हमारी इकॉनमी जो इतने बड़े क्राइसिस में गुजर रही है कि वो जो है वो ठीक हो सके। तो इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या रीजंस है कि वो अपने मुल्क के साथ क्या सिंसेयर नहीं है या फिर क्या रीजंस है? हालांकि पैसे तो उनके पास बहुत है कि वो अगर आज चाहें तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकते हैं। आपने बिल्कुल खुद ही बता दिया कि वो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, उसके अंदर ये होता है कि वो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो दूसरी छोटी मोटी कंपनीज जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको आने ही नहीं देते हैं, उनको स्टार्टअप ही नहीं होता, उनका स्टार्ट ही नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ना टैक्स इम्पोज़ किए जाते हैं, तो शाही जो टैक्सेशन है ये भी इसकी एक मेजर वजह है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। आपका नाम? ईमान। ईमान क्या करती हो? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अरे आज तो सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट मिल रहे हैं। आप क्या करती हो? मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। लगता है आज किसी किसी का दिमाग जरूर सेट हो जाना है। क्या नाम है आपका? महनूर फातिमा। अच्छा, तो ऐसा है कि आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी और हमारे पड़ोसी कंट्री इंडिया की बात कर ले, टाटा उनकी कंपनी है, उसकी जो मालियत है मार्केट एवेल्यूएशन की अगर बात करें तो 365 बिलियन डॉलर्स की हो गई, जो कि पाकिस्तान की पूरी GDP के बराबर है। इस पर आपकी क्या थाट्स हैं? इस पर हमारे यही थॉट्स है कि हमारे जो हुक्मरान है, जैसे कि गंजा अभी फिर लंदन चला गया वो, तो जब वो काम इसी तरह के करेंगे तो फिर हम क्या, हमारी क्या इकोनॉमी होगी? खुद सोचे ना आप, इमरान खान बेचारा आना चाहता है, उसको लेकर आ नहीं रहे, उसको डियाला जेल में हमने डाल दिया है, तो हम तो खान के सपोर्टर हैं, जब वो आएगा तो सब सेट हो जाएगा, हमारा पाकिस्तान ऐसे लेविश हो जाएगा अगर खान आए तो। ये गंजे जाएंगे तो फिर इमरान आएगा, तो अगर वो आएगा तो फिर मैं कह रही हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है, मेरी बात सुन, तो हमारा नए पाकिस्तान में हम दाखिल हो जाएंगे, लेकिन 2 साल तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने इतना क्या खास कर दिया? सही बात है, क्या किया था पाकिस्तान तो था, और मुझे लगता है जब एस्टेब्लिशमेंट हो ये सारे, मतलब आर्मी अपना काम करेगी, जज अपना काम करने लगते हैं, इमरान खान के खिलाफ ही हैं, मतलब खिलाफ नहीं, मतलब फिर क्या ही बन जाएंगे, फिर पाकिस्तान जैसा कोई नहीं होगा, ऐसा लीडर नहीं समझती, क्योंकि ये लोग सियासत में घुसे हुए हैं सारे, इमरान खान को आने नहीं दे रहे, और हम बस खान साहब की बात करेंगे, खान साहब से आगे पीछे कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी जल्दी आनी चाहिए, मेरे ख्याल से अब जो फॉसिल फ्यूल को इतना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कंपनी भी आ सकती हैं। तो पाकिस्तान की ऐसी कौन सी कंपनी है जो आगे आ सकती है? आयारा, वो अमेरिकन कंपनी टेस्ला और इसके साथ मिलके काम कर, टेस्ला पाकिस्तानी कंपनी, टेस्ला अमेरिकन कंपनी के साथ कुछ आई मीन के एग्रीमेंट्स हैं उनके, और वो आगे डेवलपमेंट करना चाहती है। अच्छा, तो यानी कि टेस्ला के साथ पाकिस्तान एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, एक्चुअली एग्रीमेंट नहीं होता, एक्चुअली मेरे ख्याल से जो सप्लाई चेन है वो उन्हें खुद से ही मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ हेल्प रिक्वायर्ड पाकिस्तान की ज़रूरत। उमर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, ठीक है, जिसकी मार्केट एवेल्यूएशन जो हो चुकी है वो 365 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर है, यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि उनकी एक कंपनी हमारे पूरे GDP को, पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है, इस टाइम उनकी मालियत इतनी जा रही है, क्या कहें? दरअसल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही, बच्चों को मतलब क्वांटिटी क्या बढ़ रही है, डिग्री दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसमें बच्चों का पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, स्टूडेंट यहाँ गए कि बच्चों को रट्टा सिस्टम चल रहा है, वो स्लाइड वगैरह पढ़ा देते हैं, बच्चों का पल्ले कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी में भी रट्टा सिस्टम है, बिल्कुल रट्टा सिस्टम है। देखो, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, हम लोग ये सोचते हैं अक्सर लोग के जो आवाम होती है वो सोचती है कि इस मुल्क के जो लीडर होते हैं वो गंदे होते हैं, बेसिकली लीडर गंदे नहीं होते, आवाम खुद गंदी होती है, अगर आवाम अच्छी हो रहा तो लीडर भी अच्छे होंगे, अगर हम सिलेक्ट करेंगे हम खुद करते हैं, तो लीडर भी अच्छे ही होगा। दरअसल अगर हम खुद को सही नहीं करना चाह रहे तो क्या चीज सही होगी, बंदा पहले खुद को सही करे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अच्छा क्या कहना चाहेंगे, चले वो रिसर्च में आगे हो गए तो हमने क्या 75 सालों से कोई मेहनत ही नहीं की जो हम रिसर्च को पीछे छोड़ा है? तो हम ये हमारे एजुकेशनल करिकुलम का फॉल्ट है सारा, क्योंकि वैसे रिसर्च होती है ना यहाँ पे सिर्फ बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री स्टूडेंट्स पलटे है, तो उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है ना, उनके बस सिर्फ पलटे है डिग्री लेते हैं और जॉब की तलाश में निकल जाते हैं जो कि पाकिस्तान में है नहीं। यानी कि आप भी मुल्क छोड़ने की तैयारी हो? जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी लास्ट सेमेस्टर है तो चाइना जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना वो तो चाइना ही चला जाओ, चाइना चले जो चले, उनके प्रोडक्ट्स ऐसी हैं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसा ही है, लेकिन फिर भी चाइना चाइना ही वहाँ पे स्कॉलरशिप अपक होती है और वहाँ का रिसर्च बहुत अच्छा है। बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो रिसर्च का बहुत शौक है मुझे, तो मैं वहाँ की जो लैब्स है वो वेल इक्विप्ड है, तो चाइना इज बेस्ट। अच्छा चाइना इज बेस्ट, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद क्योंकि स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी आप आजकल देखें तो ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट जो है वो चाइना के CSE स्कॉलरशिप जो है उस पर पढ़ गए, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा इंडिया के बारे में आपकी क्या थॉट? इंडिया दुश्मन है हमारा, दुश्मन है, क्यों? पढ़े लिखे लोग भी ऐसा पसंद ही नहीं हमें, हमारे खान को भी नहीं पसंद, हमें भी नहीं पसंद। खान को तो पसंद है, खान तो बाद में जब कुर्सी से उतरे तो बड़ी इंडिया के हक में स्टेटमेंट पास करते हैं। ना वो अभी खान जो है दिल से मोहब्बत नहीं करता इंडिया को, आप कभी एक्सप्रेशन देखा करे खान के जब वो इंडिया के बारे में बात करता है? आप क्यों इतनी नफरत है? अब इंडिया के साथ कुछ ऐसा बचपन से ही ना हमारे माइंड्स में फीड की हुई है ये चीज़, वही ना बचपन से ही बता दिया गया है। बॉलीवुड के अब मूवीज देखें वो किस तरह पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं, ISI की वो एक रीसेंट एक पठान और भी इस तरह की इतनी मूवीज हैं, वो तो बचपन से एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ तो क्या नाम है हमारे बचपन से माइंड में फीड किया हुआ है कि इंडिया ऐसा है ऐसा है, हमारी हम पाकिस्तानी मुल्क वाले इंडिया के खिलाफ बात करेंगे वो हमारे खिलाफ बात। अब तो हम मतलब तो वो कोई हम उनकी तरफ से कोई कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट नहीं देखते, इंडिया ने तो साफ कह दिया है जो इंडिया कश्मीर के साथ आ गया हो, इंडिया कश्मीर के साथ क्या कह रहे, देखिये हम सबको पता है क्या कह रहे हैं और अभी भी हम लोग जो है इस बारे में बात करते हैं, इमरान खान इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी कश्मीर के बारे में या फिलिस्तीन के हवाले से बात नहीं करता जो कि करनी चाहिए। क्या वहाँ पर मुसलमानों के साथ अमेरिका को देखें, इंडिया अमेरिका ये सब जो हैं ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और हम तो बहुत खिलाफ हैं इसके, तो फिर हमें इंडिया से इसलिए भी हमें जहर ही लगता है। इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है तो अभी रिसेंट ही उन्होंने रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर फलस्तीन के लोगों के लिए इजिप्ट के थ्रू जो है वो एड भेजी है फलस्तीन के लोगों। अच्छा भी तो बनना है ना दुनिया के आगे, अब इतने भी बुरे नहीं है वो, अच्छे भी तो हैं, उनकी इकोनॉमी तीसरी बड़ी सुपर पावर वो बनने जा रहा है पूरी उनकी दुनिया, वो अपने पर फोकस कर रहे हैं, वो कर ही अपने, उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से अब हमारा कोई लेना देना ही नहीं, अब हमारी जो कॉम्पिटिशन है वो चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद देख लें आप अभी तक पाकिस्तान को किसी फायदे नहीं रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि हमारे रिजल्ट भी इसी तरह रुके, हमारे रिजल्ट फौरन डाल देते हैं पोर्टल के ऊपर, आजकल तो पोर्टल भी रुका हुआ है, बस पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसे ही है, हमारा पोर्टल भी हैक कर लिया हमारे पोर्टल को, यानी कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के निजाम को पोर्टल भी हैक कर लिया और रिजल्ट बच्चों का क्या होगा, बस फिर हम भी वेट ही कर रहे हैं देखे, अब तो हमने चले जाना है, शुक्र है साइकोलॉजी फील्ड रखी है, इसका ज्यादातर स्कोप बाहर है तो बस सब बाहर के मुल्क चले जाना है। बाहर तो फिर आपको इंडियंस भी मिलेंगे, दोस्ती कर लेंगे ना फिर उनसे, नफरत भी है दोस्ती भी है, साथ जाएंगे हम दोनों, साथ जाएंगे साथ रहेंगे तो हमें किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं उधर के इंसान नो डाउट बहुत अच्छे होंगे, हम बात करें उनके ये पॉलिटिक्स की और उनके ये हुक्मरान वगैरह उनकी जो सारी एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, इन दोनों के दरमियान में नफरत है, इस वजह से हम जो जो मतलब लोग हैं मुल्क के उनके दरमियान में, हालांकि मैं नहीं कह रही क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बात एक्सपीरियंस नहीं की ये चीज़ उनसे बात करके, मे भी वो अच्छे हों, हम बात करें उनके लीडर्स की जो उनके आपस में मुल्कों की वजह से, उनके लीडर तो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाई जाती है वो ये क्लेम करते हैं अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेगा या इसको खत्म कर देगा तो हम जो है दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान के साथ रेडी। टेबल टॉक करते हैं फिर अभी नंदन को क्यों भेजते हैं? जो टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो हमारे साथ काम कर सकती है या इस तरह, या इनके आपस में कोई प्रोजेक्ट चल सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से जो स्पेयर पार्ट्स है सप्लाई चेन उसके लिए कुछ हेल्प ले सकते।
आपको लगता है की बाहर की इतनी बड़ी कंपनी पूरे वर्ल्ड में जिसका इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर जो है इलॉन मस्क आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट हो सकती है, नॉलेज शेयरिंग, आई मीन इस तरह तो नहीं हो सकता कि टेस्ला खुद भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में। अच्छा, क्या रीजंस है कि इंडिया में सब अपने नेशनलिस्ट शो के काम करते हैं जबकि पाकिस्तान में हम देखें जो बिजनेस इन्वेस्टर है वो अपना जो मामला को सीधा करता है या अपने मामला को देखता है, यानी कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं, नेशनल या पाकिस्तान की इकोनॉमी से उनका कोई लेना देना नहीं है? बात वही है, इधर सारे ना बस अपने आप ही लगाते हैं कि हम अपनी दुकान को सही कर लें, दूसरों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। तो मुल्क को तो वो देखते नहीं, वो सिर्फ अपना देखते हैं कि यार यहाँ से हमें पैसे आ जाए, यहाँ से हमें फ़ायदा होगा, कल को हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा, बस यही है। अगर तो वो लगाएँ सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करें तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि हम भी इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, इंडिया को हम टफ टाइम दे सकते हैं? दे सकते हैं, अगर तो इतने इन्वेस्टर हमारे इधर भी सही जगह पे इन्वेस्ट करें। पैसे उनकी एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर है, पूरी मतलब इकॉनमी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी 300 बिलियन डॉलर की है और उनकी एक कंपनी जो है उसके उससे ज्यादा की है, तो क्या कहेंगे कि हम टफ टाइम किस तरह देंगे? फिर इधर भी तो इन्होंने एमजी के और हुंडई के पावर प्लांट लगाए हैं, तो अगर ये अपने लोकल ब्रांड्स को भी इस तरह ग्रो करेंगे तो हमारा भी हो सकता है। 75 ईयर गाइस, ये थी आज की वीडियो और ये थे आज के लोग, आपने कुछ देखे, लोगों के रिव्यूज देखे और खास तौर पे जी इंडिया का जो टाटा ग्रुप है उसके बारे में बात की जा रही थी कि उनकी जो जीडीपी है सिर्फ इंडिया की एक कंपनी की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है, तो उस हवाले से लोगों की क्या राय थी और ये चीज़ से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इंडिया में लोग कितना ज़्यादा खुद पे इंडिया की बात की जाए तो खुद पे कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने मतलब कि हुकूमत के साथ मिलके भी बहुत ज़्यादा होता है ना कि डील्स वगैरह उनकी हुई हुई हैं, वो फीमेल्स थी वो मतलब कि इंडिया के बारे में कुछ बहुत गलत बोल रही थी, गलत नहीं मतलब उनके जो रिव्यूज़ थे ना वो बता रही थी। असल में उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि उनके दिमाग में बचपन से वो चीज़ फीड की गई है, बचपन से ही क्योंकि हमारे माँ बाप को जो पता होता है ना उनके माँ बाप को, वो हमारे माँ बाप को, हमारे माँ बाप वो हमारे दिमाग में, हम अपने बच्चों के दिमाग में ऐसे ही डालते रहते हैं। खुद कभी हम लोगों ने रिसर्च नहीं की, खुद हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि क्या ये जो हमें बोल रहे हैं कि क्या वाकई में वो हकीकत है, क्या वाकई में वैसा सब कुछ ही है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम लोगों को उस चीज़ का जो पता नहीं होगा तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा, हमारे लोगों की सोच फिर क्या होगी। तो मैं बोलूँगी कि इसमें हुकूमत का बहुत ही ज़्यादा दोष है कि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इतना ज़्यादा 100 साल पुराना होगा, ये उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम है जब अंग्रेज़ अभी यहीं पे थे, तो उसको ना कभी चेंज किया गया ना उसमें कुछ भी फोकस किया गया, अपने बच्चों को वही बुक्स वही सिलेबस पढ़ाते जा रहे हैं और ऐसी कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि लोगों को मिलती ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं जाता है, इवन कि अपने मुल्क के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं बोलूँगी कि सबसे तो पहले एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे जो कि पढ़े लिखे होते हैं उसके बाद भी वो ऐसी सोच रखते हैं कि उनको रियलिटी का पता नहीं होता और वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब अभी टीवी पे आके या फिर इंटरव्यू में आके वो ये सब कुछ बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन क्यों है, तो वही चीज़ लेकर आएंगे जी, उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया, वो उन्होंने इंडिया में या फिर मुस्लिम जो है उनके साथ बहुत गलत किया, तो यही सब रीजंस वही चीज़ दोबारा से आ जाती है। मैं हर वीडियो में वो चीज़ नहीं बोलना चाह रही बट हर चीज़ में वो जब रिलीजन को रिलीजियस बातें और वही सब हिंदू मुस्लिम का जो चीज़ है ना उसको लेके आ जाएंगे ना अपनी डेवलपमेंट पे, हमारे लोग फोकस उनका नहीं होगा तो ऐसा ही सब कुछ होता रहेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा वैसे एक शॉकिंग न्यूज़ थी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी और बाहर की वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और अच्छे कुछ लोगों के रिव्यूज़ थे, कुछ लोगों के नहीं थे, बट उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, आपको मिलते रहूँगी ऐसी और अमेजिंग सी वीडियोज़ में। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी जी, थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई लव यू ऑल।